घर बच्चों, आज हम जीएसटी पार्ट सेकंड ले रहे हैं। पहली क्लास में हमने ये देखा कि जीएसटी बेसिक्स क्या है, जीएसटी में कौन कौन से कर हटे और कौन कौन से टैक्स आज भी लागू हैं, कायम हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो पहला तो ये कि माल और सेवा कर यानी नीड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो क्या है। तो नीड बहुत स्पष्ट है कि कोई भी नया टैक्स सिस्टम आता है तो वो पूर्व की कमियों को सुधार मात्र होता है। जो भी टैक्स सिस्टम में, मैंने आप लोगों को बताया कि अब तक हम इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स के नाम पर तीन टैक्स देख चुके हैं। पहले सेल्स टैक्स था, उसमें कमियां थी, उसको सुधारा गया, वैल्यू एडेड टैक्स बनाया गया। फिर वैल्यू एडेड टैक्स जो था उसमें भी कमियां थी तो जीएसटी बनाया गया। जीएसटी में भी जो कमियां होंगी या जिसके कारण से इन फ्यूचर कभी लगेगा कि ये सही नहीं है तो अगला टैक्स फिर आएगा, क्योंकि हर बार टैक्स जो कानून है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए, टैक्स की चोरी को रोका जाए। ज़्यादा टैक्स वसूल करने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाए, ऐसा नहीं है। टैक्स की चोरी को रोका जाए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी हर व्यापारी अगर ईमानदारी से अपना टैक्स देता है, क्योंकि ग्राहक से वो टैक्स लेगा तो वो आपको टैक्स गवर्नमेंट तक पहुँचेगा। और चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत बड़ा टैक्स होता है, यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स पे ही जीवित रहती है, उनके रेवेन्यू का सोर्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, क्योंकि इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये जितना सक्षम और जितना मजबूत होता है उतना हर स्टेट अपने आप की रेवेन्यू को अच्छा कर सकता है। वर्तमान में हमने देखा है राजस्थान ने नंबर 2 पर जीएसटी कलेक्शन किया है, तो ये पूर्व में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पूर्व में जो टैक्स के नियम थे उसमें डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था। जीएसटी नया है, इसमें जो राज्य सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों से मंगाएगा, जहाँ का कंज्यूमर ज़्यादा है वो वहाँ पे आपके क्या करेगा, उसको टैक्स रिसीव होगा। तो इसीलिए जीएसटी का सबसे बड़ा नंबर 2 पर आया राजस्थान। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए है। आज हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें बहुत सीधा सा था कि कोई भी टैक्स आवश्यकता क्या है, तो जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए ही नया टैक्स आता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वस्तु और सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जीएसटी को अन्य करों से अलग बनाती है। तो इसमें सबसे पहली जो मुख्य बात इसमें हमारे सामने है वो है नंबर 1, पूर्ति होना कर योग्य घटना, सप्लाई विल बी टैक्सेबल इवेंट। तो इसको हम टैक्स ऑन सप्लाई भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है टैक्स ऑन सेल्स, टैक्स ऑन इन्वेंट्री, अब हो गया है टैक्स ऑन सप्लाई। यानी जब भी कोई किसी भी वस्तु या सेवा की पूर्ति करता है तो वो इवेंट जो है वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर इसमें आ जाता है। जब भी आप सप्लाई करेंगे, अब चाहे आप अपनी ब्रांच को भी क्यों ना भेजें, किसी को भी भेजें, सप्लाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, आएगा तो वो जीएसटी के दायरे में जरूर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, यह गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। वस्तु और सेवा कर में उस राज्य को कर प्राप्ति होती है, नोटिस करें, जिस राज्य में वस्तु और सेवा का गंतव्य स्थान है। यानी जो राज्य सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है उसको सबसे ज़्यादा टैक्स मिलेगा, अतः कर संग्रहण का लाभ उस राज्य को मिलेगा जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। तो हम राजस्थान को क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि राजस्थान इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, हमारा खुद का प्रोडक्शन कम है तो हम लोगों से ज़्यादा मंगाते हैं, अन्य राज्यों से ज़्यादा मंगाते हैं तो हमें टैक्स की
ज़्यादा वसूली होती है। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ राज्यों को पहले की तुलना में हानि हो सकती है, तो जो राज्य दूसरों से नहीं मंगाते थे उनको हानि हो सकती है, तो हुई भी थी। अतः संविधान संशोधन बिल में उपबंध 19 में ऐसे राज्यों को जिन्हें कर संग्रह में हानि हो रही है 5 वर्षों तक हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो इसमें क्या हुआ था कि जिस समय GST लागू होना था उस समय कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया कि सर ये हम लोग तो ज़्यादा मंगाते नहीं हैं, तो जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, ये लोग पहले से ही समृद्ध हैं बहुत, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मंगाते तो इससे हमें टैक्स का लॉस होगा। तो फिर उसमें ये प्रावधान किया गया कि 5 साल तक जितना भी आपका लॉस हुआ इससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पूरा कर देगी, यानी आपका लॉस नहीं रहने देगी। लॉस का पता कैसे चलेगा? पूर्व में जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा था उससे कितना कम हुआ, जितना कम होगा उसको पूर्ति कर दी जाएगी। ये क्लॉज डाल दिया गया ताकि वो राज्य भी इसमें सपोर्ट कर दें। ये बिल संविधान में पारित होना था संसद में दोनों सदनों में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि सारी चीज़ें आए। थर्ड पॉइंट, द्विविध करारोपण ढांचा, ड्वेल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। ड्वेल टैक्सिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं। तो सेंटर GST और स्टेट GST, ये दोनों इसमें एक साथ अपना कर लगा लेते हैं, इसलिए इसको ड्वेल टैक्सिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों का एक साथ ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला है एकीकृत वस्तु और सेवा कर, इंटीग्रेटेड GST। यह अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवा प्रदान करने पर लगने वाला केंद्र सरकार का कर है, जिसमें स्टॉक प्रदान करना भी सम्मिलित है। यह केंद्र द्वारा इसलिए लगाया जाता है कि वस्तु और सेवा के आगे पुनः विक्रय करने पर टैक्स के क्रेडिट आसानी से मिल सके। यह माल के आयात पर भी लगाया जाता है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे राजस्थान का व्यापारी अगर आपके पंजाब के व्यापारी को माल बेचता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो IGST लगता है, IGST, इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं इसको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, पांचवा पॉइंट, कम से कम वस्तु और सेवा के लिए कर मुक्ति, मिनिमम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एग्जम्प्टेड। इस कर में क्या किया गया, कर मुक्त वस्तुओं और सेवाओं की सूची छोटी से छोटी रखी गई। जहां तक संभव है इस सूची में सम्मिलित वस्तुएं सेवाएं राज्य और केंद्र में GST में एक जैसी है, यानी इसमें सारी वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लाया गया, बहुत छोटी रख दी गई कर मुक्त की सीमाएं। नेक्स्ट, कर की केवल 5 दरें, GST कर की केवल 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो सबसे बड़ी दर कौन सी है, 28%। इनमें ही सभी वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया है। इसमें से भी सबसे अधिक प्रचलित दर 18% है, जो सबसे कॉमन है। ज़्यादातर जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर 18% से ज़्यादा किसी पे टैक्स नहीं है, यानी लगभग 80% वस्तुएं इसी सेगमेंट में आती है, 18%। अपवाद स्वरूप सोने व अन्य वस्तुओं पर बहुत कम दर से 3% GST लगाया जाता है, सोने के आभूषण पर 5% कर लगाया जाता है। ये अपवाद स्वरूप इसमें किया गया है। आगे दिया हुआ है 7 नंबर पॉइंट, छोटे व्यापारियों के लिए कर मुक्ति की परिसीमा और पंजीकरण से मुक्ति। इसमें छोटे जो व्यापारी थे उनको मुक्त किया गया, जिसको उसने कहा थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन लिमिट। तो उसमें कहा राज्य और केंद्र के GST के लिए कर मुक्ति की परिसीमा एक जैसी रहेगी। यदि कोई विक्रेता वस्तु या सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति 1 वर्ष में 20 लाख मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 10 लाख तक की बिक्री करता है या सेवा प्रदान करता है तो वह भी GST के दायरे से बाहर रहेगा, उसे पंजीकरण करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी जिसको छोटा व्यापारी आप कहते हो, जिसका 20 लाख टर्नओवर है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यापारी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम का नहीं है एवं केवल सामान की पूर्ति करता है तो उसके लिए आवर्त सीमा 40 लाख रुपये होगी।
तो अब उसकी लिमिट को भी कितना कर दिया गया, 40 लाख। तो 40 लाख तक फ्री कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो जो छोटे व्यापारियों को जीएसटी के नाम पे कोई डरने की आवश्यकता नहीं थी, 40 लाख तक ना तो उसे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है ना कोई उसे आपके डिटेल देनी है। नोट, इसे इसी पुस्तक के अध्याय 4 में समझाया गया है, वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8, मध्यम स्तर के व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए संयुक्त या मिश्रित योजना, कंपोजिशन स्कीम फॉर मिडल ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसका नाम है कंपोजिट स्कीम, बोलते हैं इसको कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या है वो देखो, छोटे व्यापारियों, निर्माताओं एवं होटल रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी के सम्मिश्रण योजना लागू की गई, कंपोजिट स्कीम लागू की गई। पूर्व में इस योजना में आने वाले कुल आवर्त सीमा कम थी, जिसमें समय समय पर बढ़ाते हुए 1.5 करोड़ कर दिया गया है, यानी 1.5 करोड़ तक यदि कोई एनुअल टर्नओवर है तो उसको कंपोजिट स्कीम में आ सकता है। इसमें व्यापारी और निर्माता आवर्त का 1% और होटल और रेस्टोरेंट है तो 5% जीएसटी चुकाकर जीएसटी संबंधी अनेक प्रकार की झंझटों से मुक्ति पा सकता है। जीएसटी से संबंधित कोई भी चीज नहीं आएगी, परंतु वे बिल में जीएसटी जोड़कर ग्राहक से इसे वसूल नहीं कर सकते हैं और उन्हें कोई भी कर जमा ITC प्राप्त नहीं होगा। दो बातें इसमें आपके आई, वो ध्यान से देखें। एक तो उसने कहा कि कंपोजिट स्कीम 1.5 करोड़ अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो वो कंपोजिट स्कीम में आ सकता है। कंपोजिट स्कीम कहती है कि आप 1% टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, और अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो तो 5% टैक्स दे दो, अब आपको जीएसटी के सारे झंझट से मुक्त हो। ज़्यादा पंगा नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें मुक्त कर दी। लेकिन इसमें आपको दिक्कत सिर्फ एक ही आएगी, आपको ITC नहीं मिलेगा। ITC का मतलब होता है इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप ये जो टैक्स आप चुकाते हो वो आपको आउट ऑफ द पॉकेट चुकाना है, अपनी जेब से दे दो फिर आप मुक्त हो, फिर आप कोई दिक्कत नहीं, 1.5 करोड़ तक के लिए ये समझ में आती है। जबकि बाकी सब में तो क्या होता है कि जो टैक्स आप चुकाते हो वो ग्राहक से वसूल करते हो, इसमें आप ग्राहक से वसूल नहीं कर सकते। तो ग्राहक से वसूल नहीं कर सकते तो उसी को ही बोलते हैं, उन्हें कोई भी कर जमा ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा, यानी उससे ग्राहक से वो टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा यदि वो कंपोजिट स्कीम में आता है। ये आउट ऑफ द इनकम लगेगा, उसके खुद को ये टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर 1% में जैसे आते हैं तो वो कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं, जितने भी का भी माल था उस पर 1% टैक्स चुकाया और उसके बाद में वो मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है CGST और SGST एक रूपता है ना, दोनों में एक रूपता क्या है। तो वो कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जीएसटी में जहाँ तक संभव हो मुख्य प्रमुख धाराओं, नियमों, प्रक्रिया और कर संग्रह आदि में एक रूपता यानी हार्मोनाइज्ड यानी एक जैसी हैं, जिससे करदाताओं को सुविधा मिले, यानी दोनों में एक जैसे नियम बना रखे हैं, एक तरीके का प्रोसीजर है, सब एक जैसा है। नेक्स्ट 10वां है केंद्र एवं राज्य के मध्य समय समय पर हिसाब का निपटारा। तो वो आपके आपस में जो पैसा लेन देन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो वो सारा कहता है, वो कहता है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य IGST द्वारा एकत्रित कर का आदान प्रदान होता है, निश्चित समय अंतराल में केंद्र और राज्य इस संबंध में अपने हिसाब का निपटारा करते हैं। तो ये आपस में टैक्स का एडजस्टमेंट आपस में करते रहते हैं। निवेश कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC का लाभ मिलना, यदि वस्तु और सेवा का विक्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति से कोई माल अथवा सेवा का क्रय किया है और उस पर GST का भुगतान किया है तो बिक्री पर जो भी GST लगा है उसमें से क्रय पर लगा GST कम हो जाएगा, इसे ही निवेश कर जमा कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। आप इसको एक बार मेरे से शॉर्ट में समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप सेल करते हो ना तो उसके आपके आउटपुट टैक्स होता है, क्या होता है आउटपुट टैक्स। तो वो मान लो आपने आउटपुट टैक्स 100 रुपये लिया, और जब आप परचेज करते हो
तो उस समय आप टैक्स चुका के आते हो क्योंकि ग्राहक हो गए, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्लियर? तो वो आपका मान लो 40 रुपये था, तो आउटपुट टैक्स है 100 रुपये, उसमें से आप 40 रुपये पहले चुका के आए हो, तो अब आपको गवर्नमेंट को कितना रुपए जमा कराना है? केवल 60 रुपये जमा कराना है। तो ये जो 40 रुपये छूट मिली, इसी को ही ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, यानी जो टैक्स आप पहले चुका के आए उसको घटाने का अधिकार। तो ये देखो, इसमें लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का लाभ मिलना, यदि वस्तु और सेवा का विक्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति से कोई माल अथवा सेवा क्रय किया है और उस पर GST का भुगतान किया है, जो आपने पेमेंट किया, तो बिक्री पर जो GST लगा उसमें से क्रय पर लगा GST कम हो जाएगा, इसे ही निवेश कर जमा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ITC क्या होता है। परंतु GST और परंतु CGST की कर जमा CGST से, और आगे इसकी एक टेबल है वो मैं आपको बताता हूँ, वो देखें कि कौन से टैक्स की छूट किससे मिलती है। तो मैंने वो टेबल फॉर्मेट में लिया है, ये देखो, ये आपकी पूरी टेबल है, कौन से टैक्स किस में से घट सकता है। हेडिंग है सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट अ ग्लांस, एक साथ। इनपुट टैक्स क्रेडिट में IGST, CGST और SGST और UTGST है, ठीक है। ये जो टैक्स आप चुका के आते हो उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। सबसे पहले याद रखो, किसको बोलते हैं इनपुट टैक्स? जो आपने चुकाया है पीछे वाले व्यापारी को। अब उसमें वो कहता है कि IGST की बात करता है, तो वो कहता है फर्स्ट टू बी यूटिलाइज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ, पहले IGST को IGST में से कटाओ। क्लियर? फिर इफ बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, अगर बैलेंस बच जाता है तो वो कहता है CGST और SGST और UTGST है एट अ ऑप्शन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, उस व्यक्ति को एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। आगे लिखता है रिमार्क में, CGST और SGST और UTGST क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर क्रेडिट ऑफ IGST इज फुली यूटिलाइज्ड। अब इस पूरी बात को ऐसे समझें, आप ये सारे क्या होते हैं, मैंने कहा जो CGST, SGST और IGST है, इन सब का आउटपुट और इनपुट होता है। क्लियर? आउटपुट यानी जब आप बेचते हो तो आउटपुट है, जब आप खरीदते हो तो इनपुट है। याद रहेगी ये बात, यानी आउटपुट जो टैक्स आप ग्राहक से लेते हो, जिसे आपको गवर्नमेंट को चुकाना है, यानी बेचने पर जो है वो आउटपुट है और खरीदने पर जो इनपुट है, तो छूट किस पे मिलेगी? आउटपुट में से इनपुट घटेगा, सही है ना। तो वो ये कहता है कि IGST का आउटपुट यदि है उसमें से IGST का इनपुट घटा दो सबसे पहले, यानी IGST में से IGST पहले घटाओ, फिर IGST सारा कवर हो गया बच जाएगा, तो उसका CGST और SGST में भी उपयोग लिया जा सकता है। इसी तरह से CGST का इनपुट है तो उसको CGST में से पहले घटाओ, अगर बच जाता है तो IGST में से घटाओ। उसी तरह से SGST का है तो पहले SGST का SGST में से घटाओ, और यदि बच जाता है तो IGST में से घटाओ। ये इतना सा ही हिसाब है और कुछ नहीं है। ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन ये आपको सिखाता सिर्फ इतना ही है कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाया जा सकता है, पहले उसको उसी में से घटाओ, CGST के आउटपुट में से CGST का इनपुट, SGST के आउटपुट में से SGST का इनपुट, और IGST के आउटपुट में से IGST का इनपुट, एक बात। उसके बाद में IGST यदि बच जाता है तो CGST और SGST दोनों घटाए जा सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस में से घटेगा। बस ये इतना ही पॉइंट है। तो आज की जो इसकी विशेषताएं थी वो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे।